आज की फिल्म छे गांव को बीच चुन्नू। नमस्कार, मेरा नाम भरत है और मैं समाज प्रगति सहयोग में खेती बाड़ी वाले कार्यक्रम में काम करता हूं। और आज हम गेहूं की नस्ल के बारे में जानेंगे। जो नस्ल हम पिछले 5-6 सालों से किसानों को दे रहे हैं, आज हम उसी के बारे में ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना पानी लगता है और ये कौन सी मिट्टी में होता है और ये कितने दिनों की फसल है और इसका कितना उत्पादन होता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये चंदौसी है और ये स्वर्णा है। सबसे पहले हम चंदौसी गेहूं के बारे में बात करेंगे। ये चंदौसी गेहूं है, ये सरबती नस्ल है और इसके दाने छोटे और मोटे होते हैं। भारी और मध्यम दोनों प्रकार की मिट्टी में इसको बो सकते हैं और इसको जो बोने का समय है वो नवंबर के पहले सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह तक इसको बो सकते हैं। अगर इसमें प्रति बीघा 25 किलो बीज लगता है, लेकिन अगर हमारी बोवनी लेट होती है या हम पहले बोते हैं तो हमें प्रति बीघा 5 किलो बढ़ा के डालना पड़ेगा। जैसे अभी प्रति बीघा 25 किलो बीज डालते हैं, तो अगर लेट या जल्दी बोते हैं तो 30 किलो पर बीघा बीज बढ़ाना पड़ेगा। अब चंदौसी गेहूँ में मध्यम और भारी मिट्टी में 3 पानी लगता है, लेकिन अगर हल्की ज़मीन है तो 4 या 5 पानी आपको लगेगा। लेकिन बुआई से पहले जो पानी देते हैं वो तो अनिवार्य रूप से देना ही है। ये जो गेहूं है इसका उत्पादन 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा होता है। इस गेहूं की खासियत ये है, ये सरबती नस्ल है और इसकी जो रोटी है वो खाने में नरम होती है। इसका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है। आइए अब उन किसानों से मिलते हैं जिन्होंने इन नस्लों को बोया है। राम राम भैया। राम 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 भैया। मानो रामलाल छे राम मान सिंह पुरा सायो समाज प्रगति में काम करू। भाई तुम्हारा नाम काय? राजा राम। भैया गांव का नाम काय? मदरा दे। तुम के समूह छे काय? हां समूह है। काय ना तुम्हारा समूह को? लक्ष्मी किसान समूह। हां काय करे तुम? यहां पानी फेर रहा है। अरे पानी फेर? हां पानी, गांव में पानी फेर रहा है। ये चंदौसी गांव ने की वावणी काय करे? ये नवंबर में। नवंबर में? हां। एक बीघा में कितना गवाओ? ये एक बीघा में 30 किलो भाई। 30 किलो चंदौसी गांव में कहा की जमीन अच्छी रहे? ये जमीन तो दो तरीके से है, पर हल्की जमीन में पानी ज्यादा लगते हैं। 4-5 पानी चाहिए ना, और बड़ी जमीन में समझ लो 3-4 पानी चाहिए। अच्छा, 3-4 पानी? हाँ 4 पानी। अच्छा पानी 4 हो जाए जब अच्छा आ जाएगा। अच्छा, एक में खाद कहीं नहाके? पहला पानी में 15 किलो डाले। अच्छा। और दूसरा पानी में 10 किलो। 10 किलो? हाँ। तो भैया पहला पानी तुमने 15 किलो कतरा बीघा में 15 किलो नहाके? एक बीघा में। एक बीघा? हाँ। अच्छा, एक बीघा में। अच्छा, दूसरा पानी में 10 किलो को भी एक बीघा? हाँ एक बीघा में दूसरा पानी में। अच्छा, ये फसल कब तक पके तैयार हो जाएगी? 3.5 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। एक बीघा में कतरा गो पाक? ये एक बीघा में हो जाए 5-6 क्विंटल। चंदौसी गांव का फायदा भैया? चंदौसी गांव का फायदा ऐसा है कि रोटी खाने में बच्चा लगते है, नरम रोटी आती है, दाना भी बड़ा बड़ा रहते है इसमें। अच्छा। बाजार भाव में भाव पे अच्छे मिल जाए, इसलिए हम चंदौसी गांव बो रहे हैं। फायदा के लिए फायदा बहुत हो रहा है हमको। अभी हमने चंदौसी नस्ल के बारे में बात की, अब हम स्वर्णा नस्ल के बारे में बात करेंगे। ये स्वर्णा नस्ल है और ये भी सरबती नस्ल है। इसका दाना पतला लंबा और चमकदार होता है। इसको इसके बोने का समय, इसकी मिट्टी, इसमें लगने वाला पानी और इसे पकने का समय, इसका उत्पादन बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने चंदौसी गेहूँ के बारे में बात किया था। इसमें एक सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है, कटाई के समय में इसको थोड़ा हल्के हरेपन में आपको काटना पड़ेगा। अगर आप इसके पूरे पकने का इंतजार करेंगे तो इसके दाने खिलने का डर रहता है, इसलिए एक ही सावधानी इसमें रखनी है, हल्के हरेपन में काट लेना चाहिए। आइए अब उन किसानों से मिलते हैं जिन्होंने इन नस्लों को बोया है। राम राम काका। राम राम। मना कल्पना सलंगी से और हम समाज प्रगति से। समाज प्रगति। हाँ, काका तुम्हारा नाम का है? भारत सिंह। गाँव का नाम? देवनलिया। अभी काय कर रहे तुम? गेहूं की फसल देखना है। ये गेहूं कौन सी नस्ल का वायल है? ये वो सुरना बताए वही गेहूं है। तो ये सुरना गांव की जानकारी बताओगे हमको पूरी? हाँ जानकारी बताओगा ने। ये सुरना गांव की बोनी कितना महीना में करा? ये नवंबर में बो हम। तो ये सुरना गांव एक बीघा में कतरा वाव तुम? एक बीघा में 25 किलो और ज्यादा से 30 किलो बस। काका। हाँ। तो ये सुरना गांव में कितना पानी लगा? इनमें पानी ऐसे पानी 3 दा है
और पहला फेर तो वो चार पानी हो जाए। हम पहला पानी फेरा जब आगे खाद डाला, एक बीघा में 15 किलो डाले पानी फेरा थे। अब दूसरा पानी भी मतलब बीघा का मान से 10 किलो यूरिया डाले और फिर पानी हम फेरा। तो यार सोना गांव की फसल मतलब कितना महीना में तैयार हो गई? ये 3 महीना में तैयार हुआ और 3.5 महीना में अपन घर में काटिन रखी लो गेहूँ। तो ये एक बीघा में सोना गांव कितना निकला पकी जाएगा? ये एक बीघा में 5-6 क्विंटल हिटे सोना गांव। तो ये सोना गांव में सावधानी काय रखनी चाहिए? ये सोना गांव में मतलब थोड़ा हरारे जब भी काटे ना ज्यादा सूखी जाए इनको खीरे बहुत। तो सोना गांव में काय लाभ छे? इनको दानो चमकदार है, बाजार में भाव अच्छे मिल रहे इनके और सब गेहूं से रोटी इनकी नरम रहे, शरबती गेहूं है और बाजार में इनके भाव अच्छे मिल रहे और खाने में बढ़िया फायदा है और उनमें भी मसलन खावा जल्दी साफ निकले आए। जैसे कि अभी हमने चंदौसी गेहूं के बारे में राधाराम भाई का अनुभव लिया और सोना गेहूं के बारे में भारत भाई का अनुभव लिया, उस प्रकार से एक नई वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है C306। इसको इसके लिए भारी और मध्यम दोनों प्रकार की मिट्टी में इसको हम बो सकते हैं। इसके जो बोनी का समय है वो अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर के बाद इसे कभी भी बो सकते हैं। C306 की बीज दर की जो हम बात करते हैं, इसके बीज की मात्रा 30 किलो प्रति बीघा होना है और अगर पानी की बात करें तो इस C306 के लिए 2 पानी की ज़रूरत होती है और इसकी जो उपज है वो 3-4 क्विंटल प्रति बीघा की उपज होती है। इस गेहूं की खासियत यह है, ये शरबती नस्ल है, इसकी जो रोटी है खाने में नरम होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो पानी है पानी की संख्या 2 होनी चाहिए, तो 2 से ज़्यादा पानी देने में इसकी गेहूँ की ऊंचाई बढ़ जाएगी, जिससे बाद में अगर हवा चलेगी तो गेहूँ के गिरने का डर हो सकता है, इसलिए इसको 2 ही पानी देना है। C306 की इस नस्ल को आगरा के शोभाराम भाई ने बोया था, तो आओ हम उनसे जानते हैं C306 के नस्ल के बारे में, उनके अनुभव क्या रहे। राम राम भैया। राम राम दीदी। राम राम। क्या कर रहे तुम? अरे गेहूँ की फसल में देख रहे यार, गेहूँ आड़ा पड़ रहा है तो इसके में इनके बारीक नहीं हो जाए ऐसा करके, थोड़ा अच्छा रहे कि नहीं ऐसा करके देख के आऊँ। ये बोया हमने C306। तो इना गांव की पूरी जानकारी बताओ हम। हाँ बताइए ना। C306 की बोनी कब करे तुम? ये अक्टूबर में करी हमने। हाँ इनकी थोड़ी ज्यादा लंबे समय लेता है कि उम्री मतलब लंबी उम्र ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी जल्दी बोनी करनी पड़ती है अक्टूबर में। C306 एक बीघा में कितना बीज पड़ा? करीब करीब ये 25-30 किलो के लगभग। ये काली और हल्की में दो ही में अच्छा रहता है। दो ही में अच्छा रहता है, हल्की और काली। हाँ दो ही में अच्छा। तो ये पानी कितना दे तुम इनकम? इनकम में भारी जमीन हो उसमें 1 पानी और हल्की जमीन में 2 पानी, ज्यादा पानी दे तो ये गेहूँ नीचे गिर जाता है। बोने के बाद खाद कब नाखा? यूरिया डाले हमने पहला पानी में करीब 1 बीघा में 10 से 15 के बीच में, और दूसरा में डाला हमने 10 किलो करीब। पक्का जब 1 बीघा में कितना खा जाए? करीब निकलेगी 4-5 क्विंटल का। तुमको फायदा क्या है एक ऐसे? इसमें रोटी अच्छी लगती है और दूसरी बात है इसमें सेवरी शरबती है गेहूँ, बाजार का भाव अच्छा मिलता है और ऊंचा अच्छा रहता है, शुक्ला अच्छा होता है और फायदा ही पानी का अच्छा है, कम पानी का है गेहूँ। तो C306 पकने में लगभग 4 महीने इसे लगते हैं और इसका जो उत्पादन है वो 3-4 क्विंटल प्रति बीघा होता है। अभी हमने जो गेहूँ की 3 नस्लों के बारे में बात की, तो उसमें जैसे चंदौसी, स्वर्णा और C306। अब हम बात करेंगे स्वर्णा और चंदौसी में, हमने अगर अच्छी मिट्टी है तो 3 पानी की बात की थी। ये 3 पानी कैसे देना है? पहला पानी बोने के 25 दिन बाद, दूसरा पानी बोने के 45 से 50 दिन बाद और तीसरा पानी बोने के 75 से 80 दिन बाद देना चाहिए। अगर इन गेहूं को हल्की रापट मिट्टी में बोते हैं तो पानी की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे भारी मिट्टी में हम 3 पानी देते हैं तो अगर हल्की और रापट मिट्टी है तो इसमें पानी की संख्या बढ़ के 4 हो जाएगी। और अब बात करें C306 की, तो C306 में पानी की संख्या 2 है, पहला पानी बोने के 25 दिन बाद और दूसरा पानी बोने के 50 से 60 दिन बाद देना है। अब जो ये 3 वैरायटियां हैं ये हम किसानों को क्यों दे रहे हैं? तो वैसे किसान यहाँ देखा जाए तो स्थानीय जो नस्ल है वो भी बोता है,
तो लोकल वैरायटी में अगर आप पानी की संख्या बढ़ाते हैं तो उत्पादन उसमें ज़्यादा मिलेगा। और अगर इन तीन नस्लों की बात करें तो इसमें अगर पानी की संख्या अगर सोना और चंदौसी में बढ़ाते हैं तो उतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इसलिए इनमें इन तीन वैरायटियों को हम किसानों को देते हैं। अभी जो हमने गेहूं की तीनों नस्ल के बारे में बात की तो अब उसकी खासियत के बारे में बात करते हैं। ये तीनों शरबती नस्ल हैं, इनकी रोटी खाने में नरम होती है, इनका बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है और इन नस्लों में जो लोकल वैरायटी है उनकी तुलना में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और ज़्यादा प्रोटीन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो लोकल वैरायटी में गेरुआ रोग लगता है तो इन वैरायटियों में जो हम नस्ल तीन नस्ल देते हैं इनमें इसकी समस्या बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए किसानों को हम ये तीन बीज हैं हम उनको देते हैं ताकि उनको ये गेरुआ रोग की समस्या का सामना ना करना पड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसलिए हम किसानों को ये तीनों वैरायटियाँ देते हैं।